जब दो मासूम बच्चों की मौत की खबर सामने आई। दोनों बच्चों की हत्या के आरोप में साजिद और जावेद का नाम सामने आया। जहां साजिद एनकाउंटर में ही मारा गया, तो जावेद को भी फिलहाल गिरफ्तार किया जा चुका है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने कहा है कि इस मामले में एक मौलवी की भी पहचान की गई, जिससे पूछताछ की जा रही है। एसएसपी प्रियदर्शी ने कहा कि हत्या की इस वारदात में कई सवाल हैं, जिन पर पुलिस की जांच चल रही है। वहीं इससे पहले डबल मर्डर के मुख्य आरोपी साजिद के छोटे भाई जावेद ने भी आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद उसने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बदायूं के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि मंगलवार यानी कि 19 मार्च को बाबा कॉलोनी में हुई हत्याओं के बाद से फरार चल रहे जावेद ने पड़ोसी जिले बरेली के बारादरी थाने की पुलिस चौकी में आत्मसमर्पण कर दिया। एसएसपी के मुताबिक पूछताछ के दौरान जावेद ने बताया कि घटना वाले दिन वो अपने भाई साजिद के साथ था। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी साजिद पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। एसएसपी ने कहा कि हत्या करने के बाद दोनों एक साथ भाग गए थे। जावेद पहले अपने ससुराल गया और वहां से दिल्ली चला गया। वहां उसके परिचितों ने उसे बताया कि पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, इसलिए उसे आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। अधिकारी ने कहा बदायूं जाने के बजाय वो बरेली गया और आत्मसमर्पण कर दिया। जावेद ने पुलिस को ये भी बताया कि साजिद ने एक चाकू खरीदा था, जिससे उसने डबल मर्डर को अंजाम दिया। जावेद ने पुलिस को बताया कि साजिद काफी गुस्सैल था, जिसके लिए परिवार के सदस्यों ने उसका इलाज भी कराया था। न्यूज एजेंसी पीटीआई के रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस पूछताछ में जावेद ने बताया कि घटना वाले दिन साजिद सुबह से काफी परेशान था, इसलिए उसने बड़े भाई को दुकान बंद कर जाने को कहा था, लेकिन साजिद नहीं माना। जावेद के मुताबिक साजिद का काफी समय दरगाह और मौलवी के यहाँ बीतता था। पुलिस ने कहा कि ऐसे एक मौलवी की भी पहचान की गई, जिससे पूछताछ की जा रही है। इससे पहले जावेद का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें वो लोगों के एक समूह से उसे पुलिस के पास ले जाने की गुहार लगाते हुए दिख रहा है। वीडियो में जावेद कहता है कि वो घटना के बाद दिल्ली भाग गया और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए बरेली लौटा। बदायूं पुलिस जांच के लिए जावेद को अपराध से जुड़े स्थानों पर ले गई। बता दें कि साजिद नाम के आरोपी ने हाल ही में बाबा कॉलोनी में नाई की दुकान खोली थी। वो मंगलवार को अपने परिचित परिवार के घर में घुस गया। उसने वहां 12 साल के आयुष, 8 साल के अहान उर्फ हनी और 10 साल के युवराज पर चाकू से हमला कर दिया। आयुष और अहान के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवराज को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दोहरे हत्याकांड के कुछ घंटों बाद पुलिस मुठभेड़ में साजिद मारा गया था। पुलिस ने साजिद और जावेद दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप